के यादव, एक्स डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम अर्धसैनिक बल हैं, जब पूरे बीएसएफ आप देखिए कश्मीर से लेकर के और इधर गुजरात तक, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें बीएसएफ पूरा ड्यूटी कर रही है। उसके बाद हमें किसी प्रकार का कोई मतलब बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। सीआरपीएफ अगर आप देखें तो जम्मू से लेकर के और कश्मीर तक पूरा आरओपी ड्यूटी, इवन देन बॉर्डर पर भी लगी हुई है, जो कि एलओसी भी में भी आता है। इधर आप चलें, अगर पूर्वी इलाके में चलें तो आप देखिए श्रीनगर, गंगा उससे पानी सागर से लेकर के और अगरतला तक आरओपी टोटल ये सीआरपीएफ करती है, जबकि सीआरपीएफ को, बीएसएफ को, एसएसबी को, आईटीबीपी को ये पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है, जो हमारा राइट है। मतलब हमारी लड़ाई जो है सिर्फ राइट, फाइट फॉर राइट। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी अगर आप कोई बात कहते हैं तो एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट इस बात का है कि अर्धसैनिक बल जरूर कहें। सेना कहने से हमारा जो भी हमें मिलना होता है वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमें वन रैंक वन पेंशन प्लस 2004 के बाद के जो सैनिक हमारे भर्ती हो रहे हैं जवान, उनको पेंशन दिया जाए। थैंक यू सो मच। ऐसा है, मैं एक्स सर्विसमैन सीआरपी से तेज सिंह अनुरोध करता हूं सरकार से आपके माध्यम से, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर के हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का माध्यम बने, इसलिए मैं एसएम टीवी का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को, अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाता हूं कि हम पैरामिलिट्री के सदस्य रोड से लेकर के पार्लियामेंट तक की सुरक्षा हम करते हैं। अगर उनको पता नहीं हो तो मैं उनको बता देता हूं कि एनएसजी, ओ कमांडो, जो कुछ भी है वो सब यहीं सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी से निकल करके गए हुए हैं, और सीआरपी, बीएसएफ, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के अंदरूनी ड्यूटी तक सब यही करते हैं, ना कि जो है आर्मी करने के लिए आती है। लेकिन ड्यूटी हम करते हैं और इसकी शाबाशी कोई और ले जाता है, हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? ये हमारी अंधी बहरी सरकार जाग जाए और सुन ले, हमारी आवाज़ भी सुन ले। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। 2004 के बाद में हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी गई? एक जवान देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हो जाता है और उसके अगर वो शहीद हो गया तो उसके बच्चे क्या करेंगे? उनका कमाऊ पूत गया, पेंशन खत्म, उसके बच्चे क्या करेंगे? कटोरा लेकर के रोड के ऊपर भीख मांगेंगे। अरे हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जो जवान अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है और उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं, उसकी पेंशन तक भी बंद। अरे सो जाग जाओ, कुछ शर्म करो। ये सरकार, मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कुछ शर्म करो और जाग जाओ। 2004 के बाद की पेंशन लागू करो, हमारी पेंशन में जो कमियां हैं उनको दूर करो, हमारे को जो हिल अलाउंस आर्मी को जैसे मिलता है वैसे हमारे को ही मिलना चाहिए। हमें चौकीदार मत बनाइए, हम जो है ना देश के जवान हैं, हम रोज शहादत देते हैं और ऊपर से हमें शहीद का दर्जा नहीं, क्या कहेंगे? एक जो है ना पैरामिलिट्री का, बीएसएफ का, सीआरपी का जवान मर गया, आर्मी का हो गया तो क्या हो गया? शहीद हो गया। अरे शर्म करो, कुछ शर्म आनी चाहिए। हम हर दिन शहादत देते हैं और हमें ही शहीद का दर्जा नहीं, हम हर एक ड्यूटी करते हैं हमें ही शहीद का दर्जा नहीं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं। पार्लियामेंट किसने बचाया? सीआरपी ने, अर्धसैनिक बल हर जगह कहाँ नहीं है, हर एक ड्यूटी बता दिया आपको, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर के और जो है गृह, हर जगह पार्लियामेंट या कहीं भी ले लिए, कोई भी एयरपोर्ट है, बैंक है, फैक्ट्रियां हैं, कौन उनकी सुरक्षा कौन करता है? अर्धसैनिक बल, और उन्हीं को फैसिलिटी जीरो। क्या हो तुम? बोला चौकीदार हो। अरे चौकीदार है तो हमें फिर 8 घंटे की ड्यूटी कराइए ना, हमें 8 घंटे की ड्यूटी कराइए, फिर हमें 24 घंटे की ड्यूटी क्यों करा रहे हैं हमारे से?
हमें क्यों शहादत मांग रहे हैं हमारी? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सुन लो, नहीं तो आगे 2019 आने वाला है, आगे 2019 आने वाला है और हमारी हिंदुस्तान में जनसंख्या 5% है। 5% की जनसंख्या बहुत कुछ होती है, तख्ता पलट देती है। जो हमारी मांगे पूरी करेगा हम उसी के हैं, हम ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना और किसी के, हम उसके हैं जो हमारी मांगे पूरी करेगा, हम उसके साथ में हैं। और मैं आपका लास्ट में जो है SMTV का धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी आवाज़ को जो है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाने का आप माध्यम बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कर्नाटका एक्स पैरामिलिट्री फैमिली एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम कर्नाटका से आया है, आज 50 लोग कम से कम इस स्ट्राइक में हम भाग लिया है, जो कि आप लोग सबको पता है अभी तक कहीं आदमी ने बयान दे दिया है, लेकिन जब पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस को अलग अलग इन्होंने सौतली बना दिया है। कारण क्या है, अभी इनको मिलिट्री पैरामिलिट्री मिलिट्री के बीच में आर्मी को दे दिया है 1 rank 1 pension, पैरामिलिट्री को नहीं दिया गया। जो रिस्क हम उतनी लेता है, जो मिलिट्री फोर्सेस जो करता है उससे बढ़ के हम पैरामिलिट्री फोर्सेस रिस्क लेता है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ देखो, आज नॉर्थ ईस्ट देखो, कश्मीर देखो, जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है CRPF संभालता है, जितने भी बॉर्डर्स है SSB BSF ITBP संभालता है, जो कि मिलिट्री फोर्सेस से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज रिस्क है। जितने इंडस्ट्रियल है, मेट्रो है, टोटली CA सब संभालता है, जितने एयरपोर्ट्स है। इसलिए जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस इतना रिस्क ड्यूटी करने के बावजूद भी जो भी हमारा को जो हक मिलना था वो हमारे साथ नहीं मिलता है, इसलिए हम मोदी जी को इसी मंच से आवाज़ हम पहुंचाना चाहता है, जो हमें मिलना हक को मिलिट्री का बराबर हमको सौतली ना बनाया जाए, इनके साथ हमको भी लिया जाए, हमारा को भी जो स्पेशलिटी मिलने वाला सब दिया जाए। इसे आपका माध्यम को हम दोबारा धन्यवाद करता है, जो कि इस आवाज़ हम मोदी जी तक पहुंचाए। इससे पहले भी हम कई बार लड़ते आया, लेकिन कभी इनके तक पहुंचा नहीं पहुंचा इनको, लेकिन हमारे लिए कोई स्पेशलिटी आज तक इन लोग हमारा बातें सुनाए नहीं। लेकिन इसी बात पे मैं दोबारा बता रहा चाहता है, आने वाले इलेक्शन में आपको इसकी नतीजा पता हो ही जाएगा, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था, इसी मंच से भेजा था, सब इनका हमारा डिमांड लिस्ट दिया गया, लेकिन कोई हमारा बात अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए अभी इस तरीके से हमें बार बार दिल्ली में आना पड़ रहा है, एक देश का सिपाही, एक पैरामिलिट्री का देश का सिपाही इस मंच पे आके फुटपाथ पे अपना पेट के लिए लड़ रहे हैं, इसको शर्म आना चाहिए, उस सरकार को दोबारा सोचना चाहिए इसके बारे में, क्या हम इनको हाल करना नहीं करना। अगर आपका नतीजा 5 स्टेटों के इलेक्शन में पता हो गया, अगर इसी हालत रहेगा आगे आने वाले इलेक्शन में आप इससे बुरी होगा बोल के हम इस मंच से बताना चाहता है। बिल्कुल धन्यवाद।